में आगे हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और साथ ही साथ ऑनसैगर इक्वेशन। ऑनसैगर इक्वेशन को हम डीबाई हकल इक्वेशन भी कहते हैं, पर उससे पहले लास्ट वीडियो का थोड़ा सा पोर्शन जो हमें एप्लीकेशन पार्ट के रूप में यहाँ मिलेगा वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो जो हमने ओस्टवाल्ड तनुता का नियम या ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लास्ट वीडियो में पढ़ा है उसको हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं अर्हेनियस की इक्वेशन में। तो अर्हेनियस द्वारा जो वियोजन की मात्रा की इक्वेशन दी गई थी क्या था, के बराबर एल्फा स्क्वायर सी और 1 माइनस एल्फा। या हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमें क्या मिला, एल्फा बराबर लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। तो हमने वैल्यूज पुट करी तो के बराबर हो गया लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट होल स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है लैम्डा स्क्वायर वी इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट और फिर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इनफाइनाइट माइनस लैम्डा वी। तो हम ये देख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात किए जाते हैं तो उसके लिए हमें लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू पता होनी चाहिए और उस लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू को हम कोलराउश लॉ के अकॉर्डिंग आयनिक कंडक्टेंस से या आयनिक मोबिलिटी से निकालते हैं। तो लैम्डा इनफाइनाइट बराबर लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ कैथोड प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एनोड, यानी अनंत तनुता पर धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की आयनिक चालकताओं का योग। अब लैम्डा इनफाइनाइट लैम्डा वी और सी के मानों में अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें के पर डिपेंड करती हैं और के का मान अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये स्थिर मिलता है, यानी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ प्रैक्टिकली भी एसिटिक एसिड के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। तो आगे हम टेबल देखते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पर हमने लिया है एसिटिक अम्ल के वियोजन स्थिरांक को। तो हम देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट कंसंट्रेशंस ली, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं 0.5 से लेकर 0.01 तक। लैम्डा वी जो कि डाइल्यूट कर रहे हैं तो लगातार बढ़ रहा है। अल्फा का मान लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, धीरे धीरे वियोजन की मात्रा भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और फिर के का मान लगभग स्थिर आ रहा है। तो ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम द्वारा हम अर्हेनियस के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघटन सिद्धांत को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अर्हेनियस के सिद्धांत और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारी चीज़ों को समझा जा सका, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण की ऊष्मा, विलयन में अभिक्रियाओं का आयनीकरण होना टूटना, तुल्यांक की चालकता का तनुता के साथ बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओस्टवाल्ड और अर्हेनियस के सिद्धांत से हमें समझ में आई। हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को पहले पढ़ चुके हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। N/10 का सॉल्यूशन है और उसकी हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी लैम्डा सी हमें दे रखा है 95.0 ओम इनवर्स। डिफरेंट आयंस यानी कैटायन और एनायन की हमें लैम्डा इनफाइनाइट दे रखा है 40.2 एंड 69.8। तो हमें अल्फा निकालना है, वेरी सिंपल, अल्फा बराबर लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ के प्लस और लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ सी एल माइनस। तो 95 डिवाइडेड बाय 40.2 इंटू 69.8 और सिंप्लीफाई करने पर प्लस आएगा, 40.2 प्लस 69.8 प्लस करने पर एक सिंपल सा रेशो आ गया
86.36% डिसोसिएशन हो चुका है। अब आ रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमने ओस्टवाल्ड और अरहेनियस जो है वो एप्लीकेबल हैं दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए। अब प्रबल विद्युत अपघटन पर अभी भी हम वहीं अटके हुए हैं। तो ओस्टवाल्ड तनुता का नियम प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए साम्य स्थिरांक की तुलना करी गई तो वो स्थिर नहीं आती। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए थ्योरीज बनाई और कुछ फॉर्मूलेस दिए। तो सिंपल मास ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार ए बी ए प्लस बी माइनस। फिर ओस्टवाल्ड आए, उन्होंने कहा के बराबर अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा वी। फिर वॉन्टॉफ आए, उन्होंने भी वही कहा के बराबर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा स्क्वायर वी, थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर वॉकर आए, वॉकर ने कहा के बराबर अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा स्क्वायर वी। कोलरोश ने दिया लैम्डा इनफाइनाइट माइनस लैम्डा वी मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ वी इज इक्वल्स टू के। और घोष, बैरम घोष, उन्होंने भी एक फार्मूला दिया थ्री रूट ऑफ वी लॉग अल्फा इज इक्वल्स टू के। इन सब फार्मूले से जब के निकाला गया तो साम्य स्थिरांक का मान कांस्टेंट नहीं आया, पर इनमें से कोई भी सूत्र हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दे पा रहा था और सब एक निश्चित डाइल्यूशन की रेंज में ही काम आ सकते थे। उस स्थिति में 1923 में डिबाई और हुकल दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट दिया और जिसमें बाद में ऑनसेगर भी जुड़े 1926 या 1926 में। तो ये कहलाता है डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं डिबाय हकल्स थ्योरी या डिबाय हकल का सिद्धांत। सभी तनुताओं पर कितना भी डाइल्यूशन कर दें, हम ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पूर्ण रूप से डिसोशिएट या आयनित अवस्था में रहते हैं। इवन वो क्रिस्टलीय अवस्था में भी आयनित अवस्था में रहते हैं। जब स्पेक्ट्रम के द्वारा देखा, एक्सरेस के द्वारा एनालिसिस किया या वाष्प दाब के द्वारा देखा, तो हमने देखा कि तो ठोस अवस्था में भी आयनित अवस्था में है, यानी बहुत थोड़ी सी चीज़ बहुत हायर कंसंट्रेशन पर आयनित अवस्था में हो सकती है। तो एक डेफिनेशन दी गई कि सभी सांद्रताओं पर प्रबल विद्युत अपघटन या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लगभग पूर्णतः की जगह हमने क्या कर दिया, लगभग पूर्णतः आयनित अवस्था में रहता है। प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए अनुपात लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, आयनन की मात्रा है अल्फा, अल्फा किसके बराबर है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, तो हम इसको कहते हैं आयनन की मात्रा। प्रबल विद्युत अपघटनों में हमने इसका नाम दिया चालकता अनुपात। जब विद्युत संयोजक यौगिक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पानी में घोला गया तो उसका डाइल्यूशन हुआ, और डाइल्यूशन करने से पहले आयन जो कि पहले से ही, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटन है वो तो ठोस अवस्था में भी आयन में है, तो आयन्स जो पहले से ही ठोस अवस्था में थे वो विलयन में आ गए, और विलयन में आने के बाद वो स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं, और इस गति के द्वारा क्या रिजल्ट हो रहा है कि विद्युत धारा का चलन हो रहा है। विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन आयन की स्वतंत्र गति के कारण प्रवाहित हो सकती है। विलयन का तनुकरण करने पर तुल्यांकी चालकता में वृद्धि आयनों की गतिशीलता में वृद्धि के कारण होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम तनुकरण करते हैं आयन की गति बढ़ती जाती है। जब विद्युत अपघटन का विलयन अनंत तनुता पर पहुंच गया, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया, तो आयन्स बहुत दूर दूर हो गए,
और बहुत दूर दूर होने की वजह से अब उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अब उनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं है। अब अगर हम विलयन को सांद्र करते जाते हैं, जब विलयन को हमने सांद्र किया तो आयनों की संख्या बढ़ती गई, आयन पास पास आते चले गए और उनके अंदर अंतरायनिक आकर्षण बल यानी इंटर आयनिक अट्रैक्शन विकसित हो गया। अब जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन या आकर्षण बल विकसित हो गया तो उसके फलस्वरूप अब आयन्स के बीच में जो गति थी वो कम हो गई, क्योंकि एक दूसरे के जो नेगेटिव चार्जेस थे, अपोजिटली चार्ज थे, वो आकर्षित हो रहे हैं और अब आयन्स एक जगह से दूसरी जगह पर उतनी आसानी से गति नहीं कर रहे, तो उनकी आयनिक चालें घट गई। अब जब आयनिक चाल घट गई तो तुल्यांक की चालकताएं भी घटती हैं। तो इस प्रकार बढ़ती हुई चालकता के साथ तुल्यांक की चालकता में कमी क्यों आई? क्योंकि आयनिक चालकता में कमी होती है, बल्कि इसलिए नहीं आई क्योंकि आयन्स में वियोजन कम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघटनों के केस में हमें सिर्फ चालकता पर देखना है, वियोजन पर नहीं देखना, और यही आधार था डेबाय होकल के सिद्धांत का। अब चूंकि आयन्स हैं तो विद्युत क्षेत्र में आयन्स का विस्थापन कहाँ हो रहा है? इलेक्ट्रोड्स की तरफ। तो डेबाय होकल के अनुसार जब हम कोई विभव लगाते हैं या पोटेंशियल अप्लाई किया तो उस स्थिति में आयनिक चालों में या मोलर चालकता में दो तरह से परिवर्तन हो सकता है, तो असीमित या शीतलन प्रभाव एसिमेट्री या रिलैक्सेशन इफेक्ट। ये क्या है? जब विलयन में आयन विपरीत आवेशित आयनों से हमेशा घिरा रहता है, ऐसा तो है नहीं पॉजिटिव आयन अकेला पड़ा है, नहीं, वो पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव आयन से घिरा हुआ है, प्रत्येक धन आयन चारों ओर से ऋण आयन के समूह से और इसी प्रकार ऋण आयन धन आयन के समूह से घिरा हुआ है और विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है तो सममित आयनिक परिमंडल बना हुआ है, आयनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें विपरीत आवेशित आयनों का एक आयनिक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। विभव की अनुपस्थिति में विपरीत आवेशित आयनों के बीच और एक सिमेट्री बनी हुई है, लेकिन जब हम विभव लगा देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि विपरीत आवेशित आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की ओर चलना शुरू करते हैं, धन आयन नेगेटिव आयन ऋणायन इलेक्ट्रोड की ओर चलता है एनोड की तरफ और पॉजिटिव आयन्स कैथोड की तरफ चलना शुरू करते हैं। उस स्थिति में क्या होगा? अब इनके बीच सिमेट्री नष्ट हो जाती है और आयन अपने विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं, जिसके फलस्वरूप सिमेट्री नष्ट हुई और एक एसिमेट्री क्रिएट हो जाती है। या जो सेंट्रल आयन है, सपोज करते हैं पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयनों से घिरा हुआ है, तो केंद्रीय आयन पर जो आयनिक एटमॉस्फेयर का आकर्षण बल था अब वो चारों तरफ से एक जैसा नहीं रहता, किसी जगह ज़्यादा होता है किसी जगह कम होता है। अब आयन जिस दूसरे अपोजिट वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है उसके पीछे से और खिंचाव महसूस होता है और उस स्थिति में आयन की नई स्थिति पुनः समायोजित करने में उसको थोड़ा सा वक्त लगता है और उस वक्त को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो केंद्रीय धन आयन के पीछे की ओर जो ऋण आयन का अधिक्य है, जो उसे खींच रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा? पॉजिटिव आयन की मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है और विपरीत दिशा में भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रैग कर्षण विकर्षण शुरू हो जाता है, वो इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहता है, नेगेटिव आयन्स उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उस तरह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रैग उत्पन्न हुआ जो उसके पीछे की ओर आकर्षित करता है। आयन इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ रहा है, नेगेटिव आयन्स उसे पीछे की ओर खींच रहे हैं, जिसकी वजह से एक विद्युत
आकर्षण शुरू हुआ और आयन की चाल को यानी गति को कम कर देता है। तो आयन की चाल पर यह जो प्रभाव पड़ता है उसे हम कहते हैं शीतलन प्रभाव। और क्योंकि यह आयनिक परिमंडल की एसिमेट्री के कारण उत्पन्न होता है तो हमने दिया इसको एसिमेट्री के लिए बी इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट वैल्यू दी 8.20 इंटू 10^5 डिवाइडेड बाय डी टी टू द पावर 3/2। डी क्या है? परावैद्युतांक, माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। दूसरा इफेक्ट क्या होता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट या विद्युत कण संचलन प्रभाव। तो केंद्रीय आयन की दिशा के विपरीत दिशा में चलने वाला पूरा आयनिक परिमंडल से संयुक्त विलायक के अणु घर्षण प्रभाव उत्पन्न करके केंद्रीय आयन की गति को मंद करते हैं। यानी अब आयनिक परिमंडल जो चल रहा है वो जो विलायक के अणुओं के साथ घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और उससे भी आयनों की गति कम हो जाती है। सपोज करते हैं जैसे कोई पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की ओर जा रहा है और उसके बीच में क्या पड़ रहा है? पानी के अणु पड़ रहे हैं। तो ये पानी के जो अणु हैं वो स्वयं नेगेटिव मंडल के साथ साथ विपरीत दिशा की ओर गमन करते हैं और ये विपरीत धाराएं जो हैं वो आयंस की गति को कम कर देती हैं। यानी आयंस के साथ साथ मीडियम के जो फ्लो हैं, धाराएं हैं, वो भी आयंस की गति को कम करती हैं। और आयंस की इस चाल पर जो प्रभाव पड़ता है इसको हम कहते हैं वैद्युत कण का संचलन प्रभाव, जो कि पूर्णतया माध्यम के द्वारा पड़ता है। तो इसको हमने किया ए इज इक्वल्स टू 82.48 डिवाइडेड बाय डी टी हाफ टू द पावर हाफ नीटा। मीडियम का इफेक्ट, आयनों की गति माध्यम की श्यानता पर भी निर्भर करती है। श्यानता हम जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जितनी ज़्यादा श्यानता होगी मीडियम उतना ही थिक होगा, यानी अणुओं के मध्य ज़्यादा आकर्षण बल होगा। तो अगर श्यानता ज़्यादा है तो आयनों की गति बहुत कम होगी। अब तीनों कारक हमने ले लिए हैं, एक रिलैक्सेशन मेथड, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और तीसरा मीडियम इफेक्ट। ठीक है, तो अब इन तीन इफेक्ट्स के साथ जो है वो विलयन की आयन, तीनों कारक जो हैं वो आयन की चाल को धीमा करने में सहायक होते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम तीनों को नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्योंकि आयन्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, और उस स्थिति में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा वी बराबर लैम्डा इनफाइनाइट माइनस के रूट सी। के किस पे डिफाइन कर रहा है? विलायक की विस्कासिता या श्यानता और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। डिबाई हकल तीनों प्रभावों के कारण जो कमी आई है उसका योग कर देते हैं, तो वो हम विद्युत प्रेरक बल को लगाकर आयन की गति को स्थायी दिशा प्राप्त की। अब क्या है डिबाई हकल ने किया कि ये तीन फोर्सेस रोक रहे हैं तो उतना ही फोर्स अपोजिट साइड से लगाकर आयन की गति को उतना बराबर कर दिया ताकि वो तीनों प्रभाव जो हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएं। तो प्रत्येक प्रभाव के परिणाम का अलग अलग भी उन्होंने निकाला, और इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया? यूनी यूनिवेलेंट, जैसे KCl लिया गया। ठीक है, और उसकी तुल्यांकी चालकताओं के साथ उन्होंने एक समीकरण दी। उस समीकरण को बाद में ओनसैगर ने भी संशोधित किया, तो हम कहते हैं डिबाई हकल ओनसैगर समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आधे नंबर में, कभी डेरिवेशन में, कैसे भी पूछी जा सकती है। तो लैम्डा वी बराबर लैम्डा इनफाइनाइट माइनस जो के है उसकी जगह हमने वैल्यूज रखी हैं 82.48 डीटी का हाफ नीटा। ये हमारा ए था जो कि क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट प्लस 8.20 इंटू 10^5 अपौन डी टी 3/2 लैम्डा इनफाइनाइट। ये क्या है? बी, जो कि किसकी वजह से है? एसिमेट्री की वजह से। बंद किया ब्रैकेट,
और रूट ऑफ सी से मल्टीप्लाई किया। तो डी और नीटा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स और विस्कोसिटी हैं जो कि विलायक के माध्यम पे हैं। टी टेम्परेचर है। यदि कोस्ट जो है इनको हम ए और बी लिख दें तो ए प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट अंडर रूट सी। और ए और बी के मान टोटली किस पर डिपेंड कर रहे हैं? विलायक की प्रकृति पर और ताप पर, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्वेंट हमने लिया है उसकी नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से ये डिबाई हकर ओनसेगर इक्वेशन के द्वारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम समझ सकते हैं।